यस। तो आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले एक क्वेश्चन जो 2019 के एनआईडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक आपको पोस्टल स्टैम्प डिजाइन करना है जो रिप्रेजेंट करता है गांधी जी की 150वीं जयंती। तो पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से कैसे सोचना है, किस तरीके से आपको पोस्टल स्टैम्प डिजाइन करना है, ये सब चीजें मैं आज की क्लास में कवर करने वाला हूँ। नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। यस दोस्तों, आज के क्लास में जैसे कहा था कि 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको गांधी जी की 150वीं जयंती के ऊपर एक पोस्टल स्टैम्प डिजाइन करना है। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि अगर आप ठीक से सोचते हो, आप ठीक तरीके से उसको समझते हो, तो ये बहुत क्विकली आप सॉल्व कर सकते हो। तो यस, तो क्वेश्चन के हिसाब से कुछ चीजें हाईलाइट करनी है जो हमें इम्पोर्टेंट देनी है, क्योंकि डिजाइन करने के टाइम पे हमें हमेशा एक प्रायोरिटी रखनी पड़ती है कि कौन सी चीज बड़ी रखनी है, कौन सी मीडियम साइज में और कौन सी छोटे साइज में। तो ये प्रायोरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हम रीड कर रहे हैं उसी टाइम पे कुछ चीजें जो है वो हम हाईलाइट करते हैं, जैसे कि एक 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसके बारे में है? तो यस, महात्मा गांधी जी के बारे में है, तो वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। सो ये दो चीजें सबसे ज्यादा आपके डिजाइन में हाईलाइट होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड चीज जो आती है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन डिजाइन कर रहा है, किसके लिए डिजाइन कर रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये डिजाइन की जा रही है पोस्टल स्टैम्प। और थर्ड थिंग, अगर ये पोस्टल स्टैम्प है तो ऑब्वियसली जो चीज आती है कि उस स्टैम्प की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा हुआ है 20 रुपीज के लिए ये स्टैम्प आपको डिजाइन करना है, तो वो 20 रुपीज भी वहां पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में उन्होंने कहा है उसको कलर भी करना है। तो यस दोस्तों, ये कलर करने के टाइम पे भी कुछ चीजें हमें सोचनी है, जैसे कि ये पोस्टल स्टैम्प है तो उसका मास प्रोडक्शन होगा और जो उसकी वैल्यू जो होती है वो 20 रुपीज के हिसाब से कम वैल्यू में वो प्रिंटिंग कॉस्ट निकलनी चाहिए। तो उसके हिसाब से भी सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें वहां पे काउंट की जाती है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है, आप एंड प्रोडक्ट के बारे में कितना सोचते हो। तो यस, ये चीजें थी स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग ने देखा कि इम्पोर्टेंट दिया है फर्स्ट तो 150th बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लास्ट कलरिंग पार्ट। तो कलरिंग पार्ट में आपको ड्राई कलर्स यूज करने हैं और उसके साथ अगर आप मोनोटोनस कलर स्कीम यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस तरीके से ही मोस्ट ऑफ द स्टैम्प्स होते हैं। कुछ ऑप्शनल है जहां पे एक स्पेशल स्टैम्पिंग होता है तो वो कलरफुल किया जाता है, बट यस डेफिनेटली वो हमें सोचना है कि कलरिंग कॉस्ट के हिसाब से वो वन कलर और टू कलर होना चाहिए। तो यस दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे स्टार्ट करने से पहले, और ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होती है वो है हमें क्विकली स्केचेस और क्विकली थंबनेल्स बनाने हैं। यस, दो थंबनेल्स कम से कम बनाने हैं ताकि आप जो भी चीजें रखी हुई है उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, किस चीज को एम्फोसाइज करना है, प्रायोरिटी देनी है, उनको कितना बड़ा या छोटा रखना है, वो सब चीजें आप उसके अंदर, आपके थंबनेल्स के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो और प्लेस कर सकते हो। तो ये दोस्तों, यहाँ पे आप पेज देख रहे हो जहाँ पे मैंने भी कुछ थंबनेल्स किए थे, और मैंने ऑलमोस्ट 3 थंबनेल्स किए यहाँ पे, और तीनों के तीनों काफी अच्छे टर्नआउट हुए हैं। और यस, मैं ये तीनों के तीनों आपको फाइनल करके दिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। तो चलो, स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस आपको रिमाइंड कर दूं कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यस, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले ऐसे वीडियोज जो है वो आप मिस नहीं करोगे। अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे मेल कीजिए, मैंने मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
यस, तो आज के क्लास में हम ये थर्ड थंबनेल के हिसाब से जो है वो स्केचिंग करने वाले हैं। यस, थर्ड थंबनेल के हिसाब से ड्राइंग करने वाले हैं और एक पोस्टल स्टैम्प को डिजाइन करने वाले हैं। तो इस थर्ड थंबनेल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली दिखेगा कि 150 जो है काफी ग्रैंड तरीके से और डायनामिक तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है, और वही वही इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कितना इंटरेस्टिंग वे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसमें काफी अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया के तरीके से ये 150 उठ के आ रहा है, और उसके साथ जो है बहुत लिमिटेड तरीके से गांधी जी के सिर्फ सिंबल, उनके जो ग्लासेस है उनको एज ए सिंबॉलिक तौर पे वहां पे मैंने यूज किया हुआ है, और उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 20 रुपीज भी बहुत अच्छी तरीके से राउंड के अराउंड ही उनको प्लेस किया हुआ है। और बैकग्राउंड में मैंने कुछ क्रॉस लाइंस क्रिएट किए हुए हैं, उससे काफी सारे इंटरेस्टिंग पैचेस क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको मैं एक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ और कलरफुल बना के उसको जो है एक ओवरऑल एंटायर जो सेलिब्रेशन फील होता है वो उसमें लाने की कोशिश करूंगा, बट वो कलरिंग के टाइम पे। तो चलो देखते हैं इसी थंबनेल्स को लेते हुए हम इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हमारा फाइनल पोस्टल डिजाइन स्टैम्प कैसे रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी ये डिजाइन जो सर्कल फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी पेपर पे दिया हुआ है, और उसी के अंदर हमको जो पोस्टल स्टैम्प है वो डिजाइन करना है। तो अभी हम तीसरे थंबनेल के हिसाब से आज हम करने वाले हैं। तो यस, इसके अंदर इंटरेस्टिंग जो है वो पर्सपेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए स्पेस है, उसको मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, बट अगर आप यहाँ पे इसके जो लाइंस है बस उसको ड्रॉ करके लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपकी टेक्स्ट प्रॉपरली आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि स्पेस कितने स्पेस में मेरा टेक्स्ट बैठेगा और सेंटर कैसे अलाइन हो सकता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी यहाँ पे जो है इतना जो नीचे का स्पेस है वो हमको छोड़ना है। बर्थ एनिवर्सरी लिखने के लिए और उसके साथ जो सेंटर में हमें यहाँ पे जो है 20 रुपीज़ के लिए भी यहाँ पे स्पेस रखनी है। तो शायद उसके ऊपर आर एस शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, फुल लिखते हैं रुपीस। तो यहाँ पे मैं सेंटर में इसको जो है 20 कर देता हूँ। और यहाँ पे छोटा सा रुपीस करके मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, और डिज़ाइन के हिसाब से ये स्पेस भी मैं थोड़ा सा एज अ ट्रायंगल फॉर्म में अभी सोचता हूँ कि छोड़ने के लिए।
यहाँ पे हमें जो लिखना है बर्थ एनिवर्सरी। सो बेसिकली मैं ये जो स्पेस साइड्स के फिलअप करके ले रहा हूँ ताकि मुझे सेंटर में जितनी स्पेस मिलेगी उसके ऊपर मैं उतना बड़ा 150 ड्रॉ करूँगा। बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे हमने लिखा और अब भी जो अपने पास स्पेस इतनी काफ़ी बड़ी स्पेस बच रही है वहाँ पे हमें 150 लिखना है। पहले तो स्पेस के हिसाब से मैं जो डायरेक्शन में हमें लाइन चाहिए डायनेमिक व्यू से उसको ड्रॉ किया और फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर्व देना चाहूँगा। तो फर्स्ट मैंने जो सेंटर में 5 है उसको लिख के लिया ताकि मेरी सेंटर अलाइनमेंट जो है प्रॉपर से हो जाए। टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है उसकी थिकनेस को मेंटेन करना, वो बहुत ज़रूरी है। आप थिकनेस प्रॉपरली मेंटेन करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका सेंटर पॉइंट पकड़ के चला हुआ चल रहा हूँ, ये सेंटर पॉइंट, तो उसके हिसाब से ये जो लाइंस है सब पर्सपेक्टिव के लाइंस मुझे यहाँ पे ड्राइंग जॉइंट करने हैं उसको। और ये थोड़ा सा चेंज इसमें मैं करना चाहता हूँ कि जो मैंने थंबनेल में ग्लासेस जो है यहाँ पे दिखाए थे गांधी जी की, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि उनके बारे में हम सब बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए मैं उसको जो है यहाँ पे बड़ा सा ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो इस तरीके उनका मोटिव जो है वो ठीक से क्लियर हो जाए।
यस, यहाँ पे ये इस तरीके से क्लियर किया हुआ है, तो इसको क्विकली आउटलाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आउटलाइन ब्लैक से करेंगे तो बाकी जगह पे कलर फिल करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। ये ऊपर के जो लाइंस है उसको हम करेंगे तो और थोड़ा फिनिशिंग का अच्छा टच आ जाता है, तो वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये फाइनल लाइंस कर्व जो है इरे पेंसिल के बाद में हम मिटाने वाले हैं, बट अगर उसको फॉलो करते हुए हम हल्का सा इस तरह से टचअप करें तो वो फिनिशिंग का टच बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेन आ जाते हैं हम यहाँ पे जो गांधी जी का स्पेक्स है उसको ड्रॉ करते हैं। तो एज अ ग्राफिकली सिंबल करके हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ किया हुआ है। अब जो है वो जो 150 जो है उसको हम आउटलाइन करेंगे। सो थ्रू एंड थ्रू ग्लास के थ्रू जो दिखने वाली चीज़ है वो भी हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये जो लाइन है इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर देते हैं।
इस तरीके से डबल आउटलाइन की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव कर सकते हो। यस, इस तरीके से हम लोगों ने आउटलाइन सब कर ली है। अब पेंसिल की लाइन इरेज करते हुए उसको कलरिंग के लिए हम लोग जाएंगे। जैसे कि हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली नाइस ब्राइट कलर्स होने चाहिए। यस, तो सबसे पहले मैं शेडो को जो है यहाँ पे इसको रेड कलर देना चाहता हूँ। और मेन टेक्स्ट को वाइट ही रखना चाहूँगा मैं। सिर्फ मैं कम से कम टाइम में कैसे हम ज़्यादा इफेक्टिव कलरिंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प स्पेसिफिकली जो है ज़्यादा तो करके मोनोटोनस और या टू कलर्स में होते हैं, क्योंकि फाइनल कॉस्ट जो होती है वो इस पे इम्पैक्ट करती है। फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट इसके लिए, बट ये स्पेशल केस में हम लोग कलर कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करके दिखा रहा हूँ। बट यस, डेफिनेटली पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ मोनोटोनस कलर्स ही यूज़ किए हुए हैं। कलरिंग के टाइम पे भी फिनिशिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप केयरफुली उसको कीजिए। और ये 20 को भी मैं रेड कर देता हूँ। के बाद में जो है वो जो सिर्फ ये जो पैच बचा हुआ है उसके अंदर ही कुछ कलर्स फील करूंगा, और वो भी मैं येलो, रेड, ऑरेंज के शेड्स यूज करूंगा। तो सबसे पहले इसके हिसाब से मैं मार्किंग कर लेता हूँ कि यही मैं लाइन अगर एक्सटेंड करता हूँ।
इस तरीके से कुछ पैचेस मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं इसके साथ, और हर एक पैच को मैं वही येलो के शेड्स, लाइट शेड्स देना चाहूँगा। तो काफ़ी सारे पैचेस भी मैंने नहीं क्रिएट किए हुए, कम से कम किए हुए हैं, ताकि उसकी कलरिंग भी जो है वो कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। और ब्लैक आउटलाइन करने का यही एडवांटेज है कि आप उसके ऊपर पेंसिल डायरेक्टली कलर यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी आप प्रेशर के साथ डिफरेंट डिफरेंट डार्क और लाइट टोन्स भी अचीव कर सकते हो। हर एक पैच में अगर एक स्ट्रोक की कंसिस्टेंसी रखोगे, डायरेक्शन की कंसिस्टेंसी रखोगे, तो वो अच्छा लगेगा।
यस, तो इस तरीके से आप जो है आपका पोस्टल स्टैम्प जो है, कलरफुल पोस्टल स्टैम्प कम से कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से फील कर सकते हो या बना सकते हो। यस दोस्तों, तो ये था गांधी जी की 150वीं जयंती पर डिजाइन किया हुआ स्टैम्प, और आशा करता हूं कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस क्लास के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हुआ है तो वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, और आपके जो भी क्वेरीज है उनको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यस, फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एक मौका है जहां पे आप क्विकली सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हो, तो आने वाले सब इवेंट्स के बारे में और मेरे क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ाते रहिए, स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।